उसके बाद देखते हैं कि बीएसएफ के इंदौर स्थित केंद्र आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर तैयार हुई है। पंजाब यूनिट में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी सुमन कुमारी, के बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। तो महिला में ऐसा कुछ पहले बार हुआ है, तो इसको याद रखेंगे, सीधे सीधे याद कर जाएंगे कि बीएसएफ की महिला स्नाइपर कौन है, तो वो सुमन कुमारी है। और ये जो तैनात है वो पंजाब यूनिट में है उप निरीक्षक के पद पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका की एक थिंक टैंक कंपनी है द ब्रकिंग्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये परचेजिंग कैपेसिटी वाला देखा था रिपोर्ट, ठीक है, तो उसी के आधार पर इन्होंने एक और रिपोर्ट प्रकाशित किया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि 2011-12 के मुकाबले प्रति व्यक्ति खपत में इंडिया में 2.9% की वृद्धि हुई है और शहरी क्षेत्र में 2.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंडिया के जो मतलब संगठन है NSHO वो जारी किया था, अब उसी के आधार पे ही अमेरिकन संगठन है उन्होंने अपना रिव्यू दिया है इस पे, ठीक है। तो ये दोनों रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है, दोनों में डेटा डिफरेंस है। और अगर कहीं नाम देकर पूछ दिया कि NSHO द्वारा जारी किया गया था रिपोर्ट उसके अनुसार क्या है, या अमेरिकन कंपनी के द्वारा जो जारी किया गया था उसके अनुसार क्या है, तो दोनों रिपोर्ट को अगर आप अच्छे से नहीं मतलब रीड करेंगे तो फंसने के चांस है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शहरी और ग्रामीण असमानता में अभूतपूर्ण गिरावट देखी गई है। शहरी क्षेत्रों में गिनी गुणांक के बारे में अक्सर क्वेश्चन आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पूछता है कि गिनी गुणांक किससे संबंधित है, तो हमेशा हम लोग लगाते हैं, जिनको याद होगा कि वहां ये जो है गिनी गुणांक वो आय असमानता को दिखाता है। तो उसी के आधार पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गिनी जो है मतलब गिनी गुणांक जो है 2011-12 36.7% से घटकर 31.9% मतलब हो गई है, ठीक है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में गिनी जो है वो 28.7 से गिरकर 27% हो गई है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये इसी में बताया जा रहा है, हाँ जी, देखते हैं आगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोगों की संख्या है 2011-12 में 12.2% से घटकर 2022-23 में 2% हो गई है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये गरीबी रेखा के नीचे वैसे व्यक्ति को माना जाता है जो प्रतिदिन $1.90 से कम का खर्च करता है। ये भी पूछ देता है कि वैसे कौन से पर्सन है जो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, जिनका जो इनकम प्रतिदिन का खर्चा है वो कितने डॉलर से कम होना चाहिए। तो याद रखेंगे 1.90 है, पहले वो ये 1.25 रुपया डॉलर था, जो अब बढ़कर 1.90 हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि इसी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की संख्या घटकर 2.5 और शहरी क्षेत्र में 1% रह गई है मात्र, ठीक है। जो मतलब ये क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले नीति आयोग का देखा होगा आपने ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसके बारे में ये लोग बता रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 2.5% रह गया है और शहरी क्षेत्र में 1% रह गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भारत और मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये अक्सर पूछते रहते हैं कि ये अभ्यास किन किन कंट्री के बीच में होता है, तो याद रखेंगे एक और नया नाम जुड़ा है इसमें, इसका नाम समुद्र लक्ष्मण है और ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है और इसका आयोजन 2024 में विशाखापत्तनम में किया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि रेड सी जो काफी अभी वर्तमान में चर्चित है, ये हमास और इजराइल के युद्ध की वजह से, तो वहां पे ये जो इजराइल द्वारा हमास पे जो मतलब वो हमला किया गया है उसको लेकर हाउती रिवोल्ट जो है वो लगातार रेड सी में जो है विदेशी जहाजों को टारगेट बना रहे हैं। तो इसके वजह से एक पहली बार इतने दिनों में पहली बार एक जहाज जो है पूरी तरह से रेड सी में डूब गया है और वो जहाज जो है वो ब्रिटेन से संबंधित था और उस पर 41,000 टन फर्टिलाइजर लदे हुए थे, ठीक है। तो ये जो जहाज है इसका नाम है रूबीमार, तो याद रखेंगे कि हाउती विद्रोहियों के हमला के कारण रूबीमार नामक जहाज जो है पहली बार रेड सी में मतलब डूबी है इस कंफ्लिक्ट के शुरू होने के बाद। तो जब भी आप 17वीं में तो ये इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये इजराइल और ये फिलिस्तीन से रहेगा, या हो सकता है उसको ये जोड़ दे कि ये किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट तो क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, तो ये अर्थव्यवस्था से ही जोड़कर उस पर क्वेश्चन देंगे। तो उसमें ये पॉइंट आप बताएंगे कि किस तरह से ये विश्व को अस्थिर किए हुए हैं और इसके वजह से जो है कुछ दिन पहले भी रिपोर्ट आया था कि लगभग 150% जो है माल ढुलाई का जो लागत है वो बढ़ गया है इंडिया के लिए,
ठीक है, काफी विस्तृत है। जब हम लोग इसको मंथली जब रिवाइज करेंगे ना, तो उसमें वो चीज बताया जाएगा, क्योंकि उस समय क्लास नहीं हो रही थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बांग्लादेश के शॉपिंग मॉल में आग लग जाने से 46 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी आयोग पूछ लेती है, या जो रिसेंट में एग्जाम होने वाले हैं बिहार का, जो भी होगा तो हो सकता है उसमें पूछ ले, तो इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के जो सरदार हैं, सरदार आयाज हैं, इनको वहां की जो असेंबली है जिसका नाम पाकिस्तान असेंबली है, वहां के स्पीकर तथा बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसके नेता है गुलाम मुस्तफा शाह को वहां के डिप्टी मेयर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इससे पीएम के बारे में पूछा जा सकता है, जो शहबाज शरीफ को बनाया गया है और वहां से वो 24वें पीएम बने हैं, और लगातार वो दूसरी बार पीएम वहां पे बने हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पटना म्यूजियम में बिहार की पहला संरक्षण प्रयोगशाला तैयार किया गया है। इसमें क्या है कि जितने भी ऐतिहासिक इतिहास से जुड़े हुए जो भी मतलब वस्तु मिलेंगे, चाहे वो कहीं भी, तो उसको यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि पहली बार पटना म्यूजियम में बिहार का पहला संरक्षण प्रयोगशाला तैयार किया गया है, और उसपे ये लोग मतलब उसपे शोध करेंगे और पता लग जाएंगे कि इसका संबंध क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ब्रजेश मल्होत्रा को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। जो पहले ये सुब्बानी थे, उनके स्थान पे ब्रजेश मेहरोत्रा को बनाया गया है। और अक्सर ये जो मुख्य सचिव वगैरह कौन है, इससे क्वेश्चन पूछते रहता है आयोग, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे चैतन्य प्रसाद को नया विकास आयुक्त बनाया गया है, ये दोनों याद रखना होगा आपको, दोनों नाम पूछ सकता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये अमित जो सुभानी जो ये मुख्य सचिव थे और बीआरएस इन्होंने लिया था, अब इनको जो है बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। बोला तो जा रहा था कि बीपीएससी के चेयरमैन बनेंगे, बट उनका बीपीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया गया, इनको बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं वर्तमान। तो ये तीनों आपको याद रखना होगा, कौन कौन क्या क्या बने हैं, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, और इससे हमेशा क्वेश्चन बनाती है आयोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बोध गया के महाबोधि कॉन्वेंशन सेंटर में भारतीय चिकित्सा संघ के 79वें जो है वो बैठक हो रही है वहां पे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इससे भी। उसके बाद देखते हैं कि मुंगेर की है मनीषा रानी, ये यूट्यूबर है, ब्लॉगर है ये, इन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 की विजेता ये बनी है। तो बिहार से इनका संबंध है, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाती है। ये भी याद रखिएगा कि इनको जो है पुरस्कार के रूप में 30 लाख रुपया मिला है, और इनके जो कोरियोग्राफर है आशुतोष पवार, इनको 10 लाख रुपया मिला है इस शो के विजेता बनने के बाद। उसके बाद देखते हैं कि एक रिपोर्ट आया हुआ है एग्रीकल्चर पर, बताया जा रहा है कि देश भर में कच्चा शहद उत्पादन में बिहार का जो स्थान है नंबर 1 है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के वजह से और कोई सुविधा नहीं होने के वजह से यहाँ के जो कच्चे माल है, जो मतलब शहद है, वो दूसरे स्टेट में चला जाता है, जिससे यहाँ पे वो तो नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से जो शहद उत्पादन में बिहार का स्थान जो होता है वो चौथे नंबर पे हो जाता है। रॉ जो शहद शहद है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब वो बनकर आता है मार्केट में, तो उसमें बिहार का स्थान 4th नंबर पर पहुंच जाता है। तो जब उद्योग की बदहाली दिखाएंगे, तो वहां पे ये दिखा सकते हैं कि किस तरह से रॉ शहद का उत्पादन अधिक करने के बाद भी बिहार जो है भारत में 4th नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो प्रोसेसिंग यूनिट की गठन, साथ में गवर्नमेंट को और फंड एलोकेट करना चाहिए ये प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ये तो इसके प्रोडक्शन के लिए काफी मतलब लोग कर रखा है, जिसकी वजह से ये अभी नंबर 1 पे चल रहा है उसके उत्पादन में, बट प्रोसेसिंग यूनिट के कमी के वजह से ये हाल है। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो शहद उत्पादन करता है वर्तमान में वो यूपी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, और तीसरे नंबर पर पंजाब है, और चौथे नंबर पर बिहार की स्थान आ जाती है। उसके बाद देखते हैं कि पिछले जो 2022-23 में देश भर में लगभग 1 लाख टन शहद का उत्पादन हुआ है, जिसमें बिहार जो है 20,620 टन शहद का उत्पादन कर 4th नंबर पे है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जो शहद का उत्पादन होता है वो मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में 8,400 टन
शहद का उत्पादन होता है और सबसे कम शिवान में यहाँ पे मात्र 33.40 टन उत्पादन होता है। तो ये डाटा तो आपको बिहार वाला याद रखना ही होगा, क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि ये प्रकाशित हो चुकी है और ये हाईलाइटेड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा काफी इनॉग्रेशन किया गया, शिलान्यास किया गया, तो उसमें देख लेते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, ये जो बेगूसराय में जो सभा हुई थी पीएम का, जहां पे वो 1.6 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए थे, तो उस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने बताया है कि ये जो 1.62 लाख करोड़ की जो शिलान्यास हुई है, इसमें से 27,300 करोड़ की योजनाएं बिहार के लिए है और टोटल 45 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था, जिसमें से 13 योजना बिहार से संबंधित है। तो ये भी डाटा दे सकता है आयोग, तो याद रखेंगे इसको। और इसमें जो है बताया जा रहा है कि बरौनी रिफाइनरी की अभी वर्तमान में जो उत्पादन क्षमता है वार्षिक, वो है 6 मिलियन मीट्रिक टन, जिसको बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन किया जाएगा। और इस मतलब उत्पादन की वृद्धि के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे 11,412 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आप लोग प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बरौनी रिफाइनरी की जो उत्पादन क्षमता है वर्तमान में वो कितनी है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिल रहा है कि वर्तमान में जो उसकी उत्पादन क्षमता है 6 मीट्रिक टन है, मिलियन मीट्रिक टन है, जिसको बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन किया जाएगा, और इस उत्पादन के वृद्धि के लिए 11,412 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और एक चीज और बताया गया है कि ये जो रिफाइनरी है बरौनी वाली, वहां पे प्लास्टिक पार्क की भी को भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसी में हरदीप पुरी के द्वारा ही बताया जा रहा है कि 2014 में देश में घरेलू रसोई गैस के 14 करोड़ जो थे कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 2023 में 32 करोड़ हो गए हैं। तो इसी के साथ इनका बिहार का भी डेटा पब्लिश हुआ है, उसमें बताया गया है कि बिहार में 2014 में गैस कनेक्शनों का जो संख्या था वो 52 लाख था मात्र, जो वर्तमान में बढ़कर 2.21 करोड़ हो गया है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डाटा आ रही है तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, और इसी तरह का आयोग खोजते रहती है आंकड़ा कि कहाँ बच्चों को फंसाया जाए, तो इसको लिख कर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि NHAI के द्वारा जो है 14,159 करोड़ की 6 सड़क परियोजना जो है उसका शिलान्यास किया गया है बिहार में, और ये जो 6 सड़क बनाई जाएगी NHAI द्वारा, तो उसकी जो लंबाई होगी टोटल 238.13 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो इसमें जो है 104 जो है सीतामढ़ी से 63.45 किलोमीटर लंबी 2 लेन पक्की सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें जो है इंपॉर्टेंट है जो एनएच से संबंधित है तो उसको याद रख लेंगे, जैसे NH10 कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो ये NH10 सीतामढ़ी से जाती है, इसको याद रख लेंगे। फिर उसके बाद देख लेंगे कि 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि आरा परड़िया 4 लेन जो NH319 पे स्थित है, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये 3 चीज आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं कि उसी दिन औरंगाबाद में भी सभा हुई थी पीएम के द्वारा, और वहां जो है 21,500 करोड़ की सड़क, रेल, पुल एवं सीवेज सहित 27 आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन किया गया था। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बिहार में उद्घाटन हुआ है तो केवल बिहार के लिए परियोजना नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन यहाँ से किया गया है। तो कहीं इसी यही फंसा दे कि बिहार के लिए केवल किया गया है तो फिर फंस सकते हैं इसको अगर नहीं जानेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो उद्घाटन किया गया पीएम के द्वारा तो वो है 4 लेन बख्तियारपुर रजौली खंड सड़क का, फिर 6 लेन पटना रिंग रोड रिंग कन्हौली रामनगर खंड का, और फिर 4 लेन आरा परड़िया खंड का। ठीक है, और 4 ट्रेनें भी शुरू की गई हैं, जिसको हरी झंडी दिखाई गई थी पीएम के द्वारा, तो वो जो 4 ट्रेन है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, और जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, और सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, चारों का नाम याद रखेंगे बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार में बच्चों के संरक्षण में देश में अपना स्थान बना लिया है। यहाँ की जो पॉक्सो अधिनियम है उसकी धारा 28 के तहत 48 विशेष न्यायालय खोले गए हैं जो बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, और इसको लेकर जो है ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ के गवर्नमेंट को शाबाशी भी दी है कि बाल बच्चों के
विकास के लिए, बच्चों को संरक्षित करने के लिए बिहार गवर्नमेंट जो है काफी तत्परता से कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें बताया जा रहा है कि ये जो 2012 से दिसंबर 2023 तक बिहार में 17,122 मामले दर्ज हुए थे बाल अपराध के खिलाफ, जिसमें से 978 मामलों में सजा हो गई है और 130 मामलों में अंतिम फैसला आने वाला है, ठीक है। इसी में बताया जा रहा है कि बिहार ये जो बाल गृह और बालिका गृह है उसके 66 बच्चे जो है वर्तमान में बैंगलोर में होटल मैनेजमेंट उनको कराया जा रहा है, और ये जो अनाथ बच्चे हैं वो 5-स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। फिर इसमें बताया गया है कि 31 महिलाएं जो है आफ्टर केयर प्रोग्राम के तहत मैंगनीज के साथ कार्य कर रही हैं। मतलब ये जो रिपोर्ट है काफी इम्पोर्टेंट है, अगर इससे क्वेश्चन ये क्या बोलते हैं मेन में अगर पूछ देता है कि बिहार गवर्नमेंट जो है सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए क्या कर रही है, तो भी आप इस डेटा का यूज करेंगे, और अगर स्पेशली बच्चों पे पूछ देती है तो भी इस डेटा का यूज होगा वहां पे, ठीक है। तो काफी इम्पोर्टेंट डेटा है, इस तरह की जो भी डेटा आती है उसको मतलब रिपोर्ट आती है उसको एक जगह कलेक्ट करके रखिए ताकि मेन के समय ज्यादा परेशानी ना हो आपको डेटा कलेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद कल एक जो है विस्तृत रूप से पब्लिश किया गया था, ये बजट का ही पार्ट है बट उसपे अलग से रिपोर्ट आया था तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जिसे पेट्रोल डीजल और गैस का खपत बिहार में किस किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक हो रहा है। तो उसमें बताया गया है कि पेट्रोल का खपत, और इस तरह के क्वेश्चन आयोग बनाती है, जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो ये समझ में आएगा, इन्होंने कभी पूछा था कि पेट्रोल के खपत के मामले में तीन सर्वाधिक तीन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो उसको असेंडिंग वे में सजाइए आप, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि पेट्रोल जो है पटना में सर्वाधिक, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आता है। पटना में जो है प्रतिदिन जो खर्च है पेट्रोल का वो 1,228 टन है, मुजफ्फरपुर में 64.9 टन है और पूर्वी चंपारण में 54.2 टन है, ठीक है। उसी तरह देखते हैं कि डीजल के खपत में पटना नंबर वन है, दूसरे पे मुजफ्फरपुर है, तीसरे पे पूर्वी चंपारण है, यानी कि ये जो ये पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ और रसोई गैस का खपत जो है सर्वाधिक इन्हीं तीन डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब टॉप थ्री में है, पहले पे पटना, दूसरे पे मुजफ्फरपुर और तीसरे पे पूर्वी चंपारण ही आ रहा है। तो याद रख लेंगे ये तीनों का खर्च यही तीन डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि राज्य में 2022-23 के दौरान कुल 1,034.3 टन पेट्रोल, 2,398.3 टन डीजल तथा 1,528.3 टन रसोई गैस कुल खपत हुई है। तो इससे भी संभावना है बनने का, तो ये भी याद रख लेंगे कि टोटल जो है वन ईयर में, पिछले वन ईयर में कितने कितने डीजल पेट्रोल और गैस की खपत हुई थी यहाँ पे। अब उसके बाद कल वाला न्यूज देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अमेरिका की एक शोध कंपनी मैरकॉम कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में छतों पर स्थापित सौर बिजली क्षमता साल 2023 में जो है 6.25% बढ़कर 1.7 गीगावाट हो गई है, ठीक है। जैसे जब रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो इस डेटा में जिस डेटा का यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट तो डेटा पब्लिश करते ही करती है, बट ये फॉरनर कंपनी के द्वारा भी डेटा पब्लिश करके बताया गया है कि 2023 में जो है ये सौर ऊर्जा उत्पादन जो छतों के माध्यम, छत पर सोलर पैनल लगाकर जो की जाती है, जो गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव चला रही है उसके माध्यम से, उसका जो सौर मतलब एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो 2023 में 6.25% से बढ़कर 1.7 गीगावाट हो गई है, ठीक है। और इसी में रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में छतों पर स्थापित सौर क्षमता में वृद्धि जो है वो मात्र 1.6% थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय सेफ आशमा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान दिया गया है। ये जो सम्मान है इसके तहत भारतीय छात्रों को उपलब्धियों की मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कानपुर के वैभव गुप्ता सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 के विजेता बने हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कई बार विश्व के चैंपियन ये जो है अपने पंकज आडवाणी जो है स्नूकर हैं, ठीक है, ये जो है पंकज आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 15 फ्रेम के फाइनल में दबदबा बनाते हुए कमल चावला को हराकर सीसीआई स्कूनर क्लासिक खिताब बरकरार रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे याद रखिएगा कि ये बेस्ट ये सीसीआई स्नूकर क्लासिकल प्रतियोगिता के चैंपियन का विजेता कौन है, तो वो अपने पंकज आडवाणी है और इन्होंने भारतीयों को ही हराया था जिनका नाम था कमल चावला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका में ये जो अभी इलेक्शन होने वाली है लोकसभा की, ठीक है, तो इस
को भाजपा को सपोर्ट करने के लिए वहां के समुदाय द्वारा एक कैंपेन शुरू की गई है, ठीक है। वो जो कैंपेन है उसका नाम है ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी। तो ये नाम याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन इनसे बन जाए कि अमेरिका के द्वारा किस नाम से जो है वहां के लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अभिजीत गंगोपाध्याय, ये वहां के जज हैं, काफी विवादित जज रहे, काफी विवादपूर्ण ये निर्णय देते हैं, टिप्पणी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपने अपने इस्तीफा की घोषणा इन्होंने की है, तो इसकी वजह से ये फिर से हाईलाइटेड हो चुके हैं ये पर्सन, तो याद रखेंगे। हो सकता है पूछ दे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के कौन से वैसे जज, कौन जज हैं जो अपने इस्तीफा की घोषणा अपने रिटायरमेंट के पहले कर दी है, तो ये है अभिजीत गंगोपाध्याय। उसके बाद देखते हैं कि श्रीलंका में पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है 2024 में। जनरली ये देखते होंगे कि नोएडा में मनाया जाता था और इसके क्वेश्चन कई बार पूछी हुई है आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोग के द्वारा, तो इस बार क्योंकि ये श्रीलंका में हुआ है और पहली बार आयोजित किया गया है वहां पे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे कि 2024 का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन हुआ है श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ईरान ने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किया है ये। तो ये जियो पारसी कार्यक्रम और अवेस्ता पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ जो है ईरान में किया गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ओडिशा राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि समुद्री स्लग की जो प्रजाति मिली है वो कहाँ मिली है, तो ओडिशा में, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर एक ओडिशा के कटक की है प्रसिद्ध चांदी की तस्करी, सॉरी तारकसी, ठीक है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो याद रखेंगे। अभी आरओ में आप लोगों ने देखा था जीआई टैग इतना हाईलाइटेड होते तो वो लोग सीधे पूछ दिए थे कि जीआई टैग किसको मिला या नहीं मिला, ये नहीं, वो पूछ दिए कि जीआई टैग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इससे संबंधित एक एक पॉइंट आप लोग को देख लेना होगा, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग। उसके बाद देखते हैं कि इटली में एक 5000 साल पुराने प्राचीन कब्रिस्तान की खोज की गई है, और खोज करने वाले जो पुरातत्वविद हैं उनका कहना है कि ये जो कांस्य युग के दौरान में इस कब्रिस्तान का निर्माण हुआ है। कांस्य युग मतलब जो हड़प्पा संस्कृति जो हम लोग की थी उस दौरान की ये कब्र है ये, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति का भी तो लगभग 4700 पहले का है वो टाइम, ठीक है, तो उसी के आसपास ये कांस्य की ये कब्रिस्तान मिली है जो इटली में मिली है, और इस तरह की खोज कहीं होती है जिसका संबंध पुरातत्व से है तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना 99% हो जाती है, तो याद रखेंगे। और ये जो कब्र मिली है इसमें 22 कब्रें मिली है, यहाँ पे 22 कब्रें खोजी गई है और इन कब्रों को विशेष रूप से सजाया गया है, इसमें हथियार और असंख्य कलाकृतियां भी पाई गई है। जैसे हम लोग अभी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं महापाषाण, उसी तरह की ये कब्र वहां पे मिली है जो इटली में अवस्थित है। यहाँ पे हम लोग देखते थे कि महापाषाण से 33 मनके मिले थे, वहां ये 22 कब्र ही मिला है एक साथ, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं कि अमेरिका में एक अफगान महिला को यूएस वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये जो अफगान महिला है, महिला जो है जिनको यूएस सम्मानित कर रहा है, उनका जो नाम है बोनाफ्सा याकूबी नाम है इनका, और ये जो वर्तमान में अफगानिस्तान में दृष्टिबाधित लोगों के लिए वर्क करती है, तो इनका जो निस्वार्थ कार्य है दृष्टिबाधित लोगों के लिए उसको देखते हुए यूएस के द्वारा इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि केन्याई धावक वेयंस किप्रूटो, इन्होंने टोक्यो मैराथन में रिकॉर्ड बनाते हुए इसको जीता है। इन्होंने मात्र 2 घंटे 6 मिनट 50 सेकंड में ये मैराथन को पूरा कर लिया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, तो याद रखेंगे इस तरह का रिकॉर्ड बनता है। और खासकर ये जो धावक हैं इनका नाम आपको याद रखना होगा, इनका नाम है वेंसन किप्रूटो और ये इनका संबंध जो है केन्या से है। उसके बाद देखते हैं कि गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। फिर स्वीडन नाटो का 32वां देश बन गया है, जब 21वां देश फिनलैंड बना था तो उसपे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो अब 32 वहां पे 32 मेंबर हो गए हैं और 32वां जो है स्वीडन बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटो जो है ये रूस यूक्रेन के युद्ध के लेकर ऐसे ही हाईलाइटेड है, तो उसे क्वेश्चन हमेशा आयोग पूछते रहती है, तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसका जो सम्मेलन है बोध गया में 79वां हो रहा है, तो इस अधिवेशन में गया तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राज्य बिहार की अगर कोई एग्जाम दे ये क्वेश्चन तो इसको याद रखेंगे।
उसके बाद देखते हैं कि श्रीलंका के बाद ताइवान द्वारा बोध गया में अनुसूचित जातियों के परिवारों के लिए घर बनाने बनाने की घोषणा की गई है। पहले ये 1992 में श्रीलंका के द्वारा वहां पे शुरू की गई थी इस तरह का प्रोग्राम। ये लोग बोध गया में अनुसूचित जाति से संबंधित जो लोग है 100 घर बनाया था, लेकिन इस बार जो ताइवान की एक फाउंडेशन है, संस्था है, उसका नाम है सूची फाउंडेशन। ये बुद्ध गया में अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के लिए 200 घर बनाएगी, ठीक है। और ये जो जो संस्था है जो घर बना रही है उसका संबंध बौद्ध धर्म से ही है, तो ये याद रखेंगे, ठीक। और ये जो घर बनाए जाएंगे ताइवान के द्वारा बोध गया नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 के शिलोंजा में बनाया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। फिर एक बार देखते हैं कि एक और बहुत मेडिकल साइंस में काफी इंपोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो बिहार की पर्सन है। ये जो फतुहा के डॉक्टर शिवेश आनंद हैं, इन्होंने कान के पर्दे की मरम्मत करने की नई तकनीक का खोज किया है और इसको पूरा अप्रिशिएट किया गया है। इंडिया लेवल पे तो किया गया है, किया ही गया है, वर्ल्ड लेवल पे भी इस जो ये जो खोज है उसकी बहुत तारीफ हो रही है। तो इसमें क्या है कि इसमें बायोमेट्रिक संरचनाओं का उपयोग कर ईयर ड्रम की मरम्मत किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो जो बच मतलब जो भी पर्सन सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए एक ये वरदान की तरह साबित होगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखे होंगे जब कोविड के समय पटना की एक थी, उन्होंने कुछ ईजाद किया था ये कोविड से संबंधित, तो उससे आयोग क्वेश्चन डायरेक्ट बनाई हुई थी। तो इसी तरह के ये भी इनका भी ये वर्क है, जो फतुहा के डॉक्टर है शिवेश आनंद जिन्होंने ये खोज की है, तो इनका नाम याद रख लेंगे कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सारण की एक है रोशनी रोशनी रोशन, इनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। और ये जो रोशनी है इनको डेनमार्क के का एक दिन के लिए राजदूत भी बनाया गया था, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और शिक्षा में वर्क करने की वजह से इनको बिहार का नारी शक्ति सम्मान दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आयोग बनाते रहती है, तो नाम याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही था, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। ये बताइए कि अमेरिका की एक थिंक टैंक कंपनी जो है द ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशन, तो इसके अनुसार जो ये वर्तमान में जो है यहाँ पे प्रति व्यक्ति